चाइना को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन आज से चाइना के पक्ष में बोलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जनरल बख्शी हम ये कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तानी आर्मी की ही चल रही थी वहां पर। देखिए, कल जैसे ही चुनाव खत्म हुए, जो पहला बयान दिया था इमरान खान साहब ने कि इंडिया इज बैड माउथिंग द पाकिस्तान आर्मी, कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान की फौज की ताकत के बरखिलाफ पाकिस्तान की फौज की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। देखिए, ये पेटेंटली जाहिर है कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीते हैं क्योंकि पाकिस्तान की फौज का हाथ, पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ इनकी पीठ पर है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों को बहुत ही झाड़ फूंक कर इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जितने भी ये सिंसियर हो, ये सिंसियर दिखें, ये फ्री एक्टर नहीं है। जहां तक इंडिया पाकिस्तान की पॉलिसी है, इनको वही करना पड़ेगा जो पाकिस्तान की फौज चाहती है। अगर ये नवाज शरीफ साहब जैसे अलग से इनिशिएटिव लेंगे, इनका भी वही हश्र होगा जो आज नवाज शरीफ साहब भुगत रहे हैं। डोंट फॉरगेट कि नवाज शरीफ साहब, जैसे कि शबनम ने कहा, बिल्कुल जियाउल हक के प्रोटेजे थे। ही वॉज ब्रॉट इन बाय जियाउल हक, और जहां चींटी के पर निकले, जहां उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस